नगर निगम के न्यू भवन के सदन हॉल में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के सुपरवाइजर के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका कहना है कि सफाई के क्षेत्र में गोरखपुर बदल रहा है। नगर निगम ने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आने पर एक सप्ताह का नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से नगर निगम को विशेष प्रशंसा मिली थी। उन्होंने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन कराने के लिए तथा नगर निगम को टॉप 10 में लाना है, उस लक्ष्य को पूरा कर सकें, उसी संबंध में यह बैठक बुलाई गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, इसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, फिर संजय और जिसको अविनाश बताएंगे वाहन के बारे में। आप लोग सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। उसके पहले मैं एक लाइन बता दूं कि कोई भी इंस्पेक्टर किसी भी वाहन के ड्राइवर को अपने स्तर से छुट्टी नहीं देगा। अच्छा, इसमें कोई सुपरवाइजर या कोई आपका सफाई कर्मचारी जो है उसने पर्चा वर्चा भरा है कि नहीं विधानसभा का? बताइए भाई डॉक्टर साहब को। नहीं, कोई नहीं। देखिए, आप लोग पीछे छूट गए, राम विजय आने के लिए। राम विजय का जो ड्राइवर है उसने विधानसभा का पर्चा भरा हुआ है और राम विजय उसके प्रस्तावक हैं। आप लोग बताओ भाई, है पर्चा भर सकता है जी नहीं? वो सबको मालूम, तो ये ड्राइवर लोगों को नहीं मालूम। सुपरवाइजर से हमारे जो सभी बैठे हुए हैं, जो कि सुपरवाइजर और जो स्वास्थ्य विभाग हमारा है, इसमें हमारे NSA साहब भी हैं, और पिछले आपने देखा होगा कि कुछ समय से लगातार जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनका कहना है कि गोरखपुर बहुत तेज़ी से बदल रहा है सफाई के क्षेत्र में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पिछला जो वर्ष गुजरा है वो नगर निगम के लिए नई नई उपलब्धियों का वर्ष रहा है। नगर निगम ने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं, और अभी जो सफाई की आपको जो पराकाष्ठा कहा जा सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो पिछले 1-7 दिन का अभियान चला था, और नगर निगम के इस अभियान को प्रधानमंत्री कार्यालय से भी विशेष प्रशंसा मिली थी। तो उसी तरह से इनको आगे भी काम करने के लिए प्लस स्वच्छ सर्वेक्षण में जो भी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका हूबहू पालन कराने के लिए, जिससे कि नगर निगम का जो इस बार का लक्ष्य है कि हर हालत में हमको टॉप 10 में आना है, उसको हम लोग पूरा कर सकें, उसी के लिए इनको यहाँ बुलाया गया है, और इनको अभी जो है पूरा उसी तरह से एक मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर, विधानसभा चुनाव को किस तरह से जागरूकता किया जा रहा है? विधानसभा चुनाव को देखते हुए सबसे पहले तो इनको ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े प्रत्येक पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पर आएंगे, जो कि विभिन्न जगहों पे अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में प्रचार प्रसार करेंगे। तो जो जहाँ भी जाए तो उनके सामने बाहर से जो लोग आ रहे हैं, गोरखपुर नगर निगम की एक अच्छी छवि जानी चाहिए, एक अच्छी छवि जाए, जो बाहर जाके देखें उन्हें कहीं कोई कह सकते हैं हॉट स्पॉट ना मिले, कहीं कूड़े का ढेर ना मिले, कहीं गंदगी ना दिखाई दे, कहीं जानवर सड़क पे ना दिखाई दें। तो इसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग, मतलब जो आदमी यहाँ बाहर से आए, एक वरिष्ठ जो राजनीतिज्ञ हैं, जब यहाँ से लौटे तो गोरखपुर नगर निगम के कार्यों की एक अच्छी छाप लेकर जाएं।